क्या नया भारत ट्रेनों के मामले में पुराने भारत को पीछे छोड़ मॉडर्नाइज होता जा रहा है? जहां दिल्ली से मेरठ जाने में 2.5 घंटे का समय लगता था, वहां अब सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा। और ये संभव हो पाया है देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत की वजह से। 30,274 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी की RRTS का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे पहले 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। 160 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन मेट्रो ट्रेन से 3 गुना तेज रफ्तार से दौड़ेगी। साथ ही इन ट्रेनों में प्रीमियम कोच, फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा गाजियाबाद में RRTS सिस्टम पर आधारित लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे अगर किसी का सामान ट्रेन में छूट जाए तो वो वापस भी मिल जाएगा। जब कोरोना काल में केरल के 300 के करीब बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, तब भारत के इस IAS अधिकारी ने उनकी पूर्ण शिक्षा का जिम्मा उठाया था। कौन है IAS अधिकारी और कैसे किया इन्होंने बच्चों को शिक्षित, चलिए जानते हैं। उस IAS अधिकारी का नाम है VR कृष्ण तेजा। उनकी जब केरल के अल्लापुड़ा जिले में पोस्टिंग हुई तो कोरोना काल खत्म होने के बाद एक लड़की उनके ऑफिस मिलने आई। लड़की ने IAS अधिकारी को बताया कि कोविड की वजह से उनके पिताजी गुजर गए हैं और वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़की की ये बात सुनकर IAS कृष्ण तेजा को ये एहसास हुआ कि जिले में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे में इन सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए IAS कृष्ण तेजा ने VR4LP अभियान शुरू किया, जिसके जरिए उन्होंने कोविड काल में अनाथ हुए 300 के करीब बच्चों की पढ़ाई के लिए केरल के लोगों से मदद इकट्ठा करना शुरू किया। और अब तक सभी 300 के करीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर्स भी मिल चुके हैं। IAS कृष्ण तेजा के स्नेक काम की वजह से केरल के लोग उन्हें गार्जियन एंजल ऑफ चिल्ड्रन के नाम से भी बुलाते हैं। तो कृष्ण तेजा जी के लिए एक हार्ट तो बनता है।